हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान लर्नर हब पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन जो कल के पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए आरएएस मेंस एग्जाम 2018 के 25 जून 2019 को, उन क्वेश्चंस का डिस्कशन इस वीडियो में अपन करने वाले हैं और यूनिट वाइज क्वेश्चंस देखेंगे कि कौन सी यूनिट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चंस। सबसे पहले यूनिट वन में हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं कल के पेपर में, वो क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन था डूंगर जी जवाहर जी, इनके बारे में टिप्पणी लिखनी थी, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, 15 वर्ड में इसका आंसर देना था। एंड सेकेंड क्वेश्चन था विश्व वल्लभ ग्रंथ, इसके बारे में भी 2 मार्क्स का था, ये 15 वर्ड में आंसर देना था। एंड थर्ड क्वेश्चन है अर्जुन की तपस्या मूर्ति के बारे में पूछा गया था, ये भी 2 मार्क्स का था। और कालीबंगा, आहाड़ सभ्यता और बागोर सभ्यता, ये इनके बारे में पूछा गया था, 2 मार्क्स के थे ये, 15 शब्दों में इसका आंसर देना था, इन कालीबंगा सभ्यता, आहाड़ सभ्यता और बागोर सभ्यता। एंड क्वेश्चन 7, हड़प्पा की कांस्य कला के बारे में बताना था, प्रस्थान त्रय ग्रंथ कौन से हैं, कौन कौन से ग्रंथ हैं प्रस्थान त्रय ग्रंथ, ये 2 मार्क्स का पूछा गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 9, द्वितीय विश्व युद्ध के राजनीतिक प्रभाव क्या है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के जो राजनीतिक प्रभाव थे वो उनके बारे में डिटेल में पूछा गया था 100 शब्दों में, ये 10 मार्क्स का था, 100 वर्ड में इसका आंसर देना था। एंड 10वां क्वेश्चन है क्रांतिकारी आंदोलन का विकास, ये भी 100 शब्दों का था, इस 10 मार्क्स का निर्धारित था, 100 शब्दों में इसका आंसर लिखना था। एंड क्वेश्चन नंबर 11, कृषक आंदोलन के क्या कारण थे और ये आंदोलन क्यों हुआ, क्या असंतोष की स्थिति पैदा हुई थी, तो इसका भी आंसर 100 शब्दों में देना था, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। मोलेला की प्रक्रिया, जो टेराकोटा की प्रक्रिया है, तो मोलेला की प्रक्रिया पूछी गई थी, ये भी 10 मार्क्स का पूछा गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी साहित्य में योगदान, यह भी 10 मार्क्स का था। एंड भारतीय पुनर्जागरण पर पाश्चात्य प्रभाव क्या थे, यह भी 10 मार्क्स का पूछा गया था। और यूरोपीय जागरण, जो हिस्ट्री के अंदर यूरोपीय जागरण है, तो यूरोपीय जागरण के बारे में भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और अब देखते हैं नेक्स्ट यूनिट टू में जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे वे कौन कौन से थे। फर्स्ट क्वेश्चन है आई स्टार्ट योजना, ये 2 मार्क्स का पूछा गया था। यंग इंटर्न क्या है, यह भी 2 मार्क्स का पूछा गया था। और राजकोषीय समेकन, यह भी 2 मार्क्स का था। जल स्वावलंबन, ऋणात्मक ब्याज दर और व्यापारिक पेपर क्या है, FDI क्या है, तो दोस्तों ये 2 मार्क्स के पूछे गए थे। और जो जल स्वावलंबन वाला क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स का पूछा गया था और इसका 50 वर्ड में आंसर देना था। नेक्स्ट जो पूछे गए थे 8, 9 और 10 वाले क्वेश्चन, ये थे आधारभूत ढांचे के विकास में बाधाएं उपाय, इसके 10 मार्क्स का था, 100 शब्दों में इसका आंसर देना था। भारतमाला परियोजना के बारे में पूछा गया और वित्तीय विवरण पत्र के बारे में भी पूछा गया था, ये 2 नंबर के थे। एंड फ्रेंड्स, जो यूनिट थर्ड के पहले जो उसमें समाजशास्त्र के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वे थे असंस्कृतिकरण, सामाजिक विचारधारा, सीमांतोन्नयन और जाति विवाह के बारे में, ये 2 मार्क्स के पूछे गए थे। एंड फ्रेंड्स, जो ये क्वेश्चंस की लैंग्वेज है, तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि ये वास्तविक भाषा जो इनकी थी ये भिन्न हो सकती है एग्जाम में किसी और लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया हो, लेकिन क्वेश्चन इसी से इन्हीं शब्दों से रिलेटेड आया था, लैंग्वेज कुछ और हो सकती है। तो जो समाजशास्त्र के लिए वह असंस्कृतिकरण, सामाजिक विचारधारा, सीमांतोन्नयन और जाति विवाह के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए थे। और जो प्रबंधन और अंकेषण है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, व्यवसाय की सुगमता, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, 100 शब्दों में आंसर देना था। कार्यशील पूंजी चक्र, सामाजिक अंकेषण और बजटन प्रणाली, और शून्य आधारित बजट और निर्देशन की एकता और कुशल अंकेषण, इनके बारे में ये क्वेश्चंस पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, ये थे कल के पेपर में जो पूछे गए क्वेश्चंस थे, पेपर फर्स्ट के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। जितने क्वेश्चंस मिल पाए हैं उतने क्वेश्चंस यूट्यूब चैनल पे आपके डाल दिए गए हैं। एंड फ्रेंड्स, जो सेकंड पेपर के क्वेश्चंस जब जैसे ही मिलेंगे वो भी यूट्यूब चैनल पे डाल दिए जाएंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।